मिलावट एक ऐसा खेल जिसमें छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक हाथ आजमाते हैं और अपनी जेब भरने के चक्कर में दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। अब इसे सिस्टम की लापरवाही ही कहेंगे कि नमूने जांच में फेल होने के बाद भी धड़ल्ले से मिलावटखोर अपना कारोबार कर रहे हैं। दौसा जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा फल फूल रहा है और कुछ ऐसे ही मिलावटखोर फर्स्ट इंडिया के कैमरे में भी कैद हुए, जो किसी भी दाम में मावा और पनीर देने को तैयार हैं, लेकिन शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। बस पैसे दीजिए और मौत खरीद कर ले जाइए। शुद्धता नहीं, अशुद्धता की 100% गारंटी। दौसा में बेलगाम हुए मिलावटखोर, जांच में फेल सैंपल, कारोबारियों पर लगा जुर्माना, फिर भी धड़ल्ले से कारोबार कर रहे मिलावटखोर आम जनता को खिला रहे मीठा जहर। जी हाँ, ये 100% सच है, मीठा जहर। खाद्य विभाग लाख दावे करे कि मिलावटखोरों की खैर नहीं, इसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चलाया गया, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका कोई असर नहीं है। मिलावट का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी दुकानों से सैंपल लेते हैं, जांच में सैंपल फेल होने पर जुर्माना लगाया जाता है और मिलावटखोर जुर्माना भर भी देते हैं, लेकिन कमाई के आगे जुर्माना ऊंट के मुंह में जीरा है। फर्स्ट इंडिया के कैमरे में भी ऐसी कई कारोबारी कैद हुए जिन पर सैंपल फेल होने का जुर्माना लग चुका है। वो आज भी कम कीमत पर मावा, घी और पनीर देने के लिए तैयार है, लेकिन शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। मंडावर और सिकराय में जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएंगी जो कानून की कमजोरी का फायदा उठा रही है। खुद को पाक साफ और मिलावट से कोसों दूर बताने वाले लोगों का सच जानिए। हमारी टीम एक नामी गिरामी फर्म पर पहुंची, मावा और दूध का मोल भाव शुरू किया। पहले तो साहब टाल मटोल करते रहे, 100 किलो मावा और 100 किलो पनीर की बुकिंग का लालच दिया गया तो जनाब सबसे सस्ता माल देने के लिए तैयार हो गए। ड्योठावाला के नाम की इनकी फर्म है और ड्योठावाला की हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दीपावली के दौरान जब खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ से सैंपल लिए थे तो जांच में इनका मावा सब स्टैंडर्ड का निकला था और जुर्माना भी लगाया गया था। फिर भी किसी भी भाव में पनीर और मावा देने के लिए तैयार है, लेकिन शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। आप पहले पूरे गांव में ट्राई करो, ट्राई की लिमिट नहीं होती है, ट्राई करके फिर मिल पा रहे हो। उनसे कहते ना बाजार में जो मिलेगा ना उसे 5 रुपए कम रेट मिलेंगे भाई, ये मावा पनीर दोनों। हमारी टीम एक और फर्म पर पहुंची, गुप्तेश्वर रोड स्थित वृंदावन दूध मावा भंडार। ये दुकान ऊंची जरूर है लेकिन यहाँ के पकवान मिलावटी हैं। साहब बेहद कड़क मिजाज और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, भाव में थोड़ी भी नरमी को तैयार नहीं है। ये इस बात को जानते हैं कि सस्ता माल बेचने वाले क्या क्या करते हैं। हमारी टीम ने जब इनका रिकॉर्ड खंगाला तो ये भी लपेटे में आए हुए हैं। इनका दावा है कि इनसे ज्यादा शुद्ध माल कोई नहीं बेच सकता, लेकिन हकीकत ये है कि खाद्य विभाग ने सैंपल जांच में वृंदावन दूध मावा भंडार का पनीर अनसेफ पाया था और जुर्माना भी लगाया था। रेट कम करना तो अपने हाथ में ही है, पर मेरी मजबूरी नहीं है ऐसी जो मैं मतलब वो माल बना के बेचूं, कहना मतलब ऑर्डर का भी शौक नहीं है ज्यादा भाई। ऑर्डर आ भाई, अब जिसको देना है साहब वो जो करने साहब हमको तो यही माल देना है आपको, तो वो आते भी ऐसे भी आते हैं किराए के ऊपर, तो मेरा ही माल लेंगे चाहे कुछ भी लूँ मैं उससे किराए। जब हमारी टीम सुरेश मिष्ठान भंडार पहुंची तो यहाँ का माजरा भी कुछ ऐसा ही था। ये साहब भी दूध मावा और मिठाई के ठेकेदार हैं। इनको अनसेफ कलाकंद बेचने में महारत हासिल है। ग्राहक को कैसे बेवकूफ बनाना है कोई इनसे सीख सकता है। सारा माल अपनी भट्टी सिकराय में बताकर बेचते हैं। मावा 260 रुपए प्रति किलो बेचते हैं, हमें 240 में देने को तैयार है, माल की पूरी गारंटी, लेकिन कलाकंद अनसेफ बेच रहे हैं। पट्टी लग रही है अपने सिकराय पट्टी लग रही है कुछ दूध वगैरह ज़्यादा होता है या कम वहाँ लगा रखे हैं पट्टी ज़्यादा बिल्कुल। हमारी टीम ने सैथल रोड स्थित खंडेलवाल मिष्ठान भंडार का भी जायजा लिया, यहाँ भी बाजार भाव से कम में देने को तैयार हो गए। 220 रुपए किलो में मावा और पनीर देने को तैयार है। कल जब शादी का सीजन है तो मिलावट की गारंटी नहीं, भाव भी ज्यादा देने पड़ेंगे। 9 फरवरी को 100 किलो मावा 100 किलो पनीर चाहिए, क्या रेट लगेगा? 40 क्या? 203 मावा 203 230 240 इससे कम नहीं होगा? तो
हमारी टीम सिकराई के बॉयलरों का सच खंगालने पहुंची, जहां घी पनीर के बड़े कारोबारी हैं, जो खाना तो दूर देखने से ही समझ में आ जाता है कि माजरा क्या है, यहां आकर होता क्या है। फर्स्ट इंडिया के कैमरे के सामने एक साहब खुद कबूल करते हैं, पनीर यहां 240 रुपए किलो बेचते हैं, जयपुर में माल को 220 रुपए तक खपाते हैं, यानी भाड़ा भी इन्हीं का खर्च होता है और 20 रुपए सस्ता माल भी देते हैं। इनके माल ने हाल ही में जयपुर में सुर्खियां बटोरी थी। इनका मिलावटी मावा जयपुर में पकड़ा गया था। सरकारी तंत्र सैंपलिंग की कार्रवाई भी करता है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा से ज्यादा नहीं है। साल 2019 में 259 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 247 की रिपोर्ट आई। कई सैंपल जांच में फेल हो गए। यहाँ जितना भी ले लो इतना तय कर, हम तो छोटे मोटे काम करवा रहे हैं, हम तो किलो दो किलो पांच किलो इसे घी ले रहे हैं। हमारा सूर्य एक बार आप ले जाओगे ना तो हम तो घर का खावा के यूज को ही घी जाऊंगा। हमारे यहाँ ना आप व्यापार करो तो हमारे इतने निकड़े को ये घी का काम है आपके, और भी कुछ घी पनीर पनीर भी रखते पनीर है पनीर पनीर जो पनीर 240 क्या दो पैसे हम भी कमाएं, मान लो जैसे काम कर रहे हो दो पैसे हम भी तो कमाने चाहिए, या दो पैसे आप कमाओगे तो दो पैसे हम कमाएंगे। सरकार द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, अभियान में टारगेट होता है उसके अनुसार हम सैंपलिंग करते हैं, बाकी रूटीन में भी हम नियमित रूप से नमूने लेते रहते हैं। हर गली हर शहर में मिलावटखोर चांदी कूट रहे हैं और आम जनता शिकार बन रही है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में खुद को पाक साफ बताकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और मिलावटखोरों के आगे सरकारी सिस्टम फेल नजर आता है। तो सवाल यही है कि आखिर इंसान खाए तो खाए क्या। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए दौसा से लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट। इधर सरकार का कहना है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावटखोर है इनके खिलाफ भी हम, मैंने कहा था 2011 का कानून बना हुआ है, उस कानून में अब हम रासुका को जोड़ेंगे, रासुका के तहत गिरफ्तारियां होगी। मिलावटखोर कोई बचेगा नहीं राजस्थान में। एक तरफ हम नशा मुक्ति के क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिलावटखोरी के खिलाफ भी कठोर कदम उठा रहे हैं। एक भय का वातावरण मिलावटखोरों के बीच में बनना चाहिए ताकि आम आदमी की जिंदगी के साथ वो खेल नहीं सके, खिलवाड़ नहीं कर सके। अजमेर